जहां एक ओर बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ने पर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, वहीं राजगढ़ जिले के एक गांव एक दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को पंचायत ने ऐसा फैसला सुना दिया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के डूंगरपुरा गांव का है, जहां समाज ने एक अजीब फैसला सुनाया। यहां पंचों ने 4 माह पहले हुए बलात्कार के मामले में पीड़िता के शुद्धिकरण के लिए पीड़ित परिवार वालों को गांव वालों का भंडारा कराने का फरमान सुनाया है। यह शुद्धिकरण इसलिए कराना होगा क्योंकि पीड़िता आरोपी के मुकाबले ऊंची जाति की है। तब तक पीड़िता के परिजनों का समाज से नाता रिश्ता खत्म रहेगा। पीड़िता के पिता ने समाज के फैसले से परेशान होकर उन्होंने सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाई है। इसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग में भी की गई है। डूंगरपुरा गांव में 17 साल की किशोरी के साथ गांव के ही सियाराम ने 4 महीने पहले दुष्कर्म किया था। पीड़िता की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का समाज आरोपी के समाज से बड़ा था, ऐसे में समाज ने लड़की की शुद्धि के लिए अजीब फरमान सुनाया। इसमें उन्हें गांव में गांव का भंडारा कराने के लिए कहा गया। पंचनामे पर कराए परिजनों के हस्ताक्षर इस फैसले के लिए आसपास के गांवों के पंच भी जुटे। सभी ने लिखित में पंचनामा तैयार किया। इस पर पीड़िता के माता पिता के हस्ताक्षर किए गए, लेकिन गरीब परिवार होने से वह अभी तक भंडारा नहीं करा पाए हैं। ऐसे में परिवार को आसपास के गांव से कोई न्योता भी नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में पीड़ित परिवार में एक आयोजन हुआ था, इसका न्योता भी गांव के किसी व्यक्ति ने नहीं लिया, न ही कार्यक्रम में कोई शामिल हुआ। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र एक डूंगरगढ़ नासिनगढ़ थाने में एक डूंगरगढ़ गांव है, वहां पर एक जो नाबालिग बच्ची थी उसने एक बलात्कार संबंधी घटना के बारे में जनवरी में रिपोर्ट की थी, 9 जनवरी को। इसमें तत्काल FIR करके 17 जनवरी को जो आरोपी है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था और 1 महीने के अंदर ही हमने इसमें चालान भी पुट अप कर दिया था। अब ये प्रकरण न्यायालय विचाराधीन है। इसमें ये जो लड़की है इसने अपनी बहादुरी दिखाते हुए एक अभी शिकायत पुट अप की है, जिसमें जो गांव है उसमें इस तरह की कोई पंचायत की गई है कि लड़की को शामिल होने के लिए भंडारा करना पड़ेगा। इसमें प्रशासन से हमारी बात हुई है, इसमें एक ज्वाइंट टीम है, SDM, SDOP, थाना प्रभारी, तहसीलदार और जो महिला बाल विकास अधिकारी है, हमने सभी को मौके पर भेजा है और इसमें जो तथ्य आएंगे मौके पर जांच करके जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, समाज ने भंडारे में क्या मांगा है ये अभी मौके पर जाकर पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई है, जो निकल के आएगा उस हिसाब से। परिवार वालों ने अभी इसकी शिकायत पुटअप करी है, कल शाम को हमारे पास शिकायत आई है तो हम इसका पूरा तथ्य वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें एक ज्वाइंट टीम जाएगी जो सामाजिक स्तर पर भी जो इस तरह के और अन्य जगह पर भी अगर कहीं पर इस तरह की गतिविधियाँ हो रही तो इसके बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे। इसी के साथ PHU ने भी अभी एक हमारा अभियान चला रखा है। डूंगरपुरा गाँव में जो नरसिंहगढ़ के पास में, तो वहाँ पर एक कुछ माह पूर्व एक लड़की के पर कुछ दुष्कर्म हुआ था, तो लड़के को तो जो पकड़ लिया और उसको जो दंड वगैरह देना था जो गिरफ्तार वगैरह भी किया गया, परंतु उसके बाद में क्या हुआ कि समाज वालों ने एक अपना अलग फरमान निकाला कि यदि उनको समाज से संबंध रखना है तो उसके लिए उनको गांव में एक मांसाहारी भंडारे का आयोजन करना पड़ेगा, मतलब गांव वालों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो माता पिता मेरे पास आए थे, तो उनको हमने सलाह मतलब बताया कि वो चूँकि ये राजगढ़ और ये अपने आसपास पहला ऐसा मामला है जिसमें पीड़ित परिवार पर इस तरह से और समाज के द्वारा भी कुछ अन्याय किया जा रहा है, तो उसको रोके और आगे पुनरावृत्ति न हो उसके लिए हमने उनको पुलिस थाने भेजा और SP साहब से मेरी बात हुई, जिस पर SP साहब ने कहा कि इन पर FIR करके जो उस पंचनामे पर जिन जिन लोगों के हस्ताक्षर है उनसे पूरी जांच पड़ताल करके पूछताछ करके उन पर पूरी जो कार्रवाई होती है वो बनती है वो करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये नरसिंहगढ़ के पास में डूंगरपुरा गांव है, सहरिया जाति के लोग हैं।